देखिए, अगर आपके पास लावा का बटन वाला फोन है, ये मेरा लावा का बटन वाला ही फोन है, बट इसका मॉडल है लावा हीरो। तो इसमें अगर आपका ब्लूटूथ नहीं चल रहा है, कोई भी लावा के फोन में आपका अगर ब्लूटूथ नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर उसे कैसे सही करें यहाँ मैं आपको बताऊंगा। वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। चाहे ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा हो, पैर नहीं हो रहा हो, शो नहीं हो रहा हो, सारी प्रॉब्लम का ऑप्शन सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है। पूरी तरीके से मैं बैक आ गया, ठीक है। ये सारे लावा के फ़ोन में सेम मेथड अप्लाई होगा, तो ध्यान से देखिए। अब आपको मेन्यू के बटन पर जाना है, ठीक है। इसके बाद ये आप ऑर्गेनाइजर पर आ जाइए। यहाँ पर आते साथ ही आप देख पाएंगे ब्लूटूथ, ठीक है। इसे आप ओपन करते हैं तो आपको पहले ब्लूटूथ ऑन करना पड़ता है, ठीक है। देखिए अभी ऑफ है, तो ऑन करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद आप एक चीज़ भूल जाते हैं, आपकी विजिबिलिटी ऑफ तो नहीं है। जो विजिबिलिटी होती है ना, अगर ये ऑफ है तो आपका ब्लूटूथ शो नहीं होगा, कनेक्ट नहीं होगा। तो आपको विजिबिलिटी ऑन रखनी है। ये हो गया पहला मेथड। ये ऑन कर लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर इससे भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो हो सकता है आपके फ़ोन में सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी होती है और कभी कभी हार्डवेयर से रिलेटेड भी होती है। तो अगर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसके लिए देखिए आपको क्या करना है। मेन्यू में जाना है और सेटिंग्स आपको दिखाई देगा, यहाँ जाना है। और उसके बाद आप बिल्कुल नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा रिस्टोर फैक्ट्री। तो आपको देखिए इस पर क्लिक करना है। लेकिन ध्यान देना है, ये करने से पहले अगर आपके कॉन्टैक्ट्स, आपका डेटा होगा फ़ोन में, तो ये करने से वो भी डिलीट हो जाएगा। तो पहले आप वो सब डेटा मेमोरी कार्ड में या कोई और फ़ोन में ट्रांसफ़र कर दीजिए, कॉन्टैक्ट और वो सब, फिर उसके बाद ये करिए, नहीं तो आपका डेटा भी डिलीट हो जाएगा। तो ये करने के लिए आपको 4 पासवर्ड है, यहाँ पर 4321 ये पासवर्ड डालना है और ओके कर देना है। तो ये आपका रिस्टोर हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर ओके करेंगे तो रिस्टोर हो जाएगा। मैं नहीं कर रहा हूँ, बट आप कर दीजिएगा। फिर इसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अगर ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई तो। अगर ये करने से नहीं होती है, तो हो सकता है आपके फ़ोन में हार्डवेयर इशू है, ब्लूटूथ का हार्डवेयर इशू है। तो आपका फ़ोन वारंटी में है, तो आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ सकता है, वो आपको फ्री में रिपेयर करके दे देंगे। अगर आप सर्विस सेंटर नहीं जाना चाहते हैं, तो आप कोई भी मोबाइल की शॉप जा सकते हैं, वो कुछ 250-250 रुपये लेके ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो वीडियो पसंद आए हो तो टेक्सोर को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।